कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का राखी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में। तो हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हमने उसमें टेंस के विषय में बात की थी, तो उसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव जो है पढ़ लिया था। ये अफर्मेटिव पूरा कंप्लीट हो गया था। इसमें हमने जो है इससे जो कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे जो इस फॉर्मूले से बन रहे थे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस, ये सिंगुलर में करना था हमें, प्लस ऑब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या एस नहीं लगाना था, ये प्लूलर में करना था। ये तो हमने देख लिया था, यानी कि अफर्मेटिव पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपने नहीं देखा तो हम ऊपर जो आई बटन पे दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और वहां से आप उसे देख लीजिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। तो आज हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव में जैसे कि एक ये एग्जांपल लेते हैं, वह एक पत्र नहीं लिखता है, पत्र नहीं लिखता है। तो यहाँ पे है कि डज नॉट राइट अ लेटर। तो अभी इसमें जो ये सिंगुलर है तो यहाँ पे डज नॉट आया, तो प्लूलर में हम क्या करेंगे। तो इससे कि पहले हम देख लेते हैं ये कैसे बनता है नेगेटिव सेंटेंसेस। तो हाँ, तो सब्जेक्ट प्लस डज नॉट सिंगुलर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जहाँ पे सिंगुलर होगा, सिंगुलर थर्ड पर्सन, वहां पे हम जो है क्या करेंगे, डज नॉट का यूज करेंगे, और जहाँ पे प्लूलर होगा वहां पे हम डू नॉट का प्रयोग करेंगे। तो इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसमें एस या यस ये कुछ भी नहीं लगाना है। आप जो है इस तरह बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट सिंगुलर होगा तो डज नॉट, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे अगर प्लूरल होगा तो यहाँ पे आप जो है डू नॉट करेंगे। तो ऐसे ही हम कुछ देख लेते हैं एग्जांपल्स। तो जो है नेगेटिव सेंटेंसेस के जो एग्जांपल है, जैसे कि वह एक पत्र नहीं लिखता है, तो हम पहले यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे वह तो ये ही रखा, फिर है डज नॉट, क्योंकि ये जो है वह सिंगुलर है तो डज नॉट, फिर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट अ लेटर, यानी कि ऑब्जेक्ट में आ गया लेटर। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, वे हॉकी नहीं खेलता है, वे हॉकी नहीं खेलते हैं, तो ये हो गया प्लूलर, वे हॉकी नहीं खेलते हैं, ये प्लूलर हो गया। तो यहाँ पे हमें प्रयोग करना है डू नॉट का। डू नॉट का क्यों करना है, क्योंकि ये दिया हुआ है कि डस नॉट सिंगुलर में और डू नॉट प्लूलर में, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो हम जो लगाएंगे, बट यहाँ पे डू नॉट का प्रयोग करेंगे। तो दे यानी कि सब्जेक्ट हो गया हमारा ये, और वे की जगह पर हमने लिख दिया दे, फिर है डू नॉट, क्योंकि ये जो हमारा यहाँ पे दिया हुआ प्लस डू नॉट, डू नॉट हो गया। फिर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलने की क्या होती है, प्ले, तो प्ले। और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो इसे शेयर करते रहिए और हाँ वीडियो को लाइक करते रहिए। चलिए हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं और इसके बाद हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव के बाद जो है हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, तो हम पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे। ऐसे ही हम पूरा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमने जो है कुछ ऐसे कि बॉक्स बनाया था, ये हमने बॉक्स बताया था कौन क्या पहले पढ़ेंगे, फिर से बता देते हैं। ये मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ था ऐसे करके, ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और इधर था इंडेफिनिट, ये कॉन्टिन्यूअस, और ये परफेक्ट, और ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे बॉक्स नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये यहाँ पे पूरा टाइम और वर्क के बेस पे जो हमने कैटेगराइज किया था, ये तो हमारे पूरे 12 ये बॉक्सेस बने हुए थे। तो हम इसमें पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमने अफर्मेटिव पढ़ लिया, नेगेटिव पढ़ लिया, और आज पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव के बाद हम पढ़ेंगे प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, और इसके बाद पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट, उसके बाद फिर हमसे हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ऐसे ही पूरा कंप्लीट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज के वीडियो में हमने पढ़ लिया नेगेटिव सेंटेंसेस और अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।
लाइक करिए। चलिए मिलते हैं।